सभी को नमस्कार। ये मेरा दूसरा कैंप है। इसके पहले मैं अपनी भाभी के कहने से उस समय दिमागी परेशानी के कारण बहुत ज़्यादा त्रस्त था। हमारी भाभी, हमारे सबसे छोटे भाई आशीष शुक्ला बंटी भाई के खास फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको करवाया था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मॉडिफाई किया कि आप जाइए, बहुत अच्छा है दादा, आप जाओ जाओ। जिस समय मैं यहाँ आया था उस समय मैं इतनी ज़्यादा परेशानी में था कि शायद अपने आप को ख़त्म कर लेता या सुसाइड कर लेता, ये सोच थी मेरी। फिर यहाँ आने के बाद कुछ ये रहा कि चलो ठीक है, 2-4-5 दिन और सही। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के माहौल में जब मैं घुसा, क्योंकि अभी शारीरिक रूप से मैं, मेरी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आने के बाद एक चीज़ महसूस हुई कि अपना पेट की आधड़ियाँ, शरीर का जो पेट सिस्टम है वो एकदम से स्वस्थ हो जाता है, साफ हो जाता है। और पुराने ज़माने में लोग कहते थे, ग्रैब पार्टर का विज्ञापन आता था जब हम छोटे छोटे थे, खुश रहे पेट रहे अच्छा तो खुश रहे बच्चा। यहाँ आकर सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपके पेट के अंदर की जितनी गंदगी है सारी नीट एंड क्लीन हो जाती है, जिससे आपकी कई प्रकार की परेशानियाँ, एसिडिटी, कब्ज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेशन, माइग्रेन वगैरह सारा कुछ बहुत उससे छुटकारा पाते हैं। यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा है कि आपको खुद ही यहाँ आने के बाद फर्स्ट 1-2 दिन बाद आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपका जाने का दिल नहीं करेगा। मैं तो सभी को कहूँगा यहाँ आए और एक बार करके देखें। जो नेचुरलिटी फील होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, किसी चीज़ में अनफिट नहीं हूँ, लेकिन जो क्लियरेंस, जो आत्मिक शांति मुझे यहाँ मिली है, शायद वो दूसरी जगह ना मिले। मैं सभी जगह घूमा हूँ, लगभग पूरे देश, पूरे इंडिया में घूम चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगती है, प्रण यही कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये लोग एक समाज को देते हैं, गौ पालन हुआ, गुरुकुल हुआ, बच्चों की दिनचर्या हुई, इसमें हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योगदान करना चाहिए। मैं अपनी सामर्थ्यता के हिसाब से, जैसा भी, अगले साल शायद मैं रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर होने के बाद इस चीज़ का परमानेंट इलाज करूंगा कुछ न कुछ, और प्रण लेता हूं हर 6 महीने बाद आऊंगा। नमस्कार।